इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज है उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहली मैच हुई बिटवीन द क्राउड्स एट सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। वैसे तो लास्ट ओवर तक गई मैच जहां पे इंडिया चेस कर रही थी, मगर एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच जब इंडिया कर रही थी गेंदबाजी। मोहम्मद सिराज की ओवर थी और वो डाल रहे थे मिचेल सैंटनर को गेंद। मिचेल सैंटनर ने एक बुलेट शॉट मारा और गेंद आई सीधा मोहम्मद सिराज के पास। उन्होंने हाथ बीच में डाला गेंद को रुकाने, पर वहां पे उन्हें एक जोर से हाथ पे बॉल लगी। एक तो इतनी ठंडी और उसमें अगर आपको लग जाती है तो फिर आउच। मगर इसके बाद फिजियो आए जल्दी से ऑन ग्राउंड और थोड़ा सा इंस्पेक्शन हुआ उनके हाथ का। उसके बाद उन्हें टेप भी लगाई गई। वैसे तो एक या दो बॉल ही हुए थे और उसके बाद पूरी बॉलिंग करनी बाकी थी। फाइनल ओवर था, उन्होंने वैसे ही टेप हैंड के साथ बॉलिंग की। इतना ही नहीं बल्कि सिर्फ 7 रन दिए और एक बहुत ही डॉली ऑफ अ विकेट जिसे कहते हैं वैसी विकेट भी ली। इवेंचुअली न्यूजीलैंड बना पाई 164 और 165 का टारगेट दिया इंडिया को, जो इंडिया ने बखूबी वैसे तो आखिरी ओवर में मगर बहुत अच्छे से चेस किया। अब देखना यह है कि मोहम्मद सिराज की इंजरी कितनी ग्रेव है और क्या वो आगे के मैचेस खेलते या नहीं। वैसे स्क्वाड में बहुत जन बैठे हैं कि एक जन बाहर हो, एक जन की सीट रिकामी हो जाए तो फिर दूसरा आके उसमें बैठ ले। देखना यह है कि क्या ये इंजरी इतनी ग्रेव है कि वो बाहर बैठते या फिर स्क्वाड में प्लेइंग 11 में कंटिन्यू करते। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।